खरगोन जिले में अतिक्रमण हटाओ मुहिम लगातार जारी है और प्रशासन का बुलडोजर लगातार अवैध अतिक्रमण पर चलते देखा जा रहा है। इसी क्रम में सोमवार को पोस्ट ऑफिस चौराहे पर चार दुकानों को ध्वस्त किया गया, जबकि बस स्टैंड के श्री राम धर्मशाला परिसर में अवैध तरीके से निर्मित दुकानों का तकरीबन 12-12 फीट के अतिक्रमण पर जेसीबी का पंजा चलाकर जमीन को अवैध कब्जों से मुक्त कराया। इस मौके पर जिला प्रशासन, नगर पालिका अमला और बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन का बल मौजूद रहा। इस दौरान SDM सत्येंद्र सिंह ने बताया कि 3,95,00,000 की जमीन को अतिक्रमण मुक्त किया और आगामी दिनों में कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। प्रदेश में अतिक्रमण मुहिम चलाई जा रही है शासन के आदेशानुसार, आज उसी अनुक्रम में खरगोन में भी कार्रवाई की जा रही है। सबसे पहले हम लोगों ने पोस्ट ऑफिस चौराहे पे जो 1951 में PWD ने ब्याह के लिए दिया था, उसको गलत तरीके से वहाँ दुकानें बना ली गई थी, पहले उसको हम लोगों ने हटाया। आज उसकी अगर कीमत देखी जाए तो 1,88,00,000 है बाजार में। इसी प्रकार नगर पालिका की ये जो 12 दुकानें श्रीराम धर्मशाला के आगे जो बनी हुई थी, इसको भी नगर पालिका ने विधिवत नोटिस दे करके सुनवाई करने के बाद इसको चिन्हित किया था। आज उसी अनुक्रम में ये भी हम लोग अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। कितनी कीमत है सर इसका? 3,95,00,000 कीमत है। शहर में हम लोगों ने और भी जगह चिन्हित किए हैं और इसी तरह से निरंतर अतिक्रमण हटाने की मुहिम जारी रहेगी। देखिए, जैसे शासन की मंशा है, जितने अवैध अतिक्रमणकारी हैं और जिन्होंने भूमियों पे कब्जा कर रखा है, अवैध रूप से उसके निर्माण है, दुकानें संचालित हो रही, रेंट पे चल रहे हैं, उन सभी पे जिला स्तर पे कार्रवाइयाँ चल रही है, चिन्हित किया गया है, सुनवाई की गई है नगर पालिका द्वारा, SDM साहब द्वारा, तहसीलदार साहब द्वारा, और उसके तहत जितनी एक्स्ट्रा उनका अतिक्रमण है या अवैध निर्माण है उनको तोड़ने की कार्रवाई आज हो रही है नगर पालिका द्वारा। कौन कौन से इलाके में की और कितनी दुकानें टूट रही हैं? नगर अभी पोस्ट ऑफिस में हम लोग करके आ रहे हैं, करीब 5 दुकानें वहाँ पे टूटी हैं, 1,88,00,000 की कीमत है उसकी मार्केट वैल्यू से, और यहाँ पे मैं जो धर्मशाला ट्रस्ट है उसके आगे नगर पालिका की जमीन में अतिक्रमण था और रेंट से लोग इस पर रह रहे थे या उनकी अपनी दुकानें थी, तो उस पर कार्रवाई चल रही है। ये भी करीब 1,20,00,000 के आसपास की इसकी वैल्यू। सर, प्रदेश में सबसे बड़ी कार्रवाई है सर जी, अब हो सकता है। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।